इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कर्नाटक में लॉकडाउन जारी हुआ है, आज रात से 14 दिन का लॉकडाउन रहेगा। पर अवाम की सोच पर अफसोस भी होता है कि अवाम भी शायद इसके लिए तैयार है। कहने का मतलब, आज सुबह से ही बाजार भरा हुआ था, शायद 14 दिन घर में बैठना अवाम ने पसंद किया और यही सच्चाई है। और यह कोई कोरोना के डर की वजह से नहीं है, क्योंकि जब बाजार खुला हुआ रहता है तो किसी तरह की परवाह किए बगैर लोगों को घूमना इस बात की दलील है कि इन्हें जरा बराबर भी कोरोना का डर नहीं है। इन्हें डर हुकूमत का है, पुलिस की लाठी का। खैर, आज से लॉकडाउन का फैसला तो लिया गया, हालात यकीन बहुत ही भयानक है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की बात बार बार कही जा रही है। ये भी सच्चाई कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की पैदावार यानी प्रोडक्शन करने वाला मुल्क है, पर अफसोस पर अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है। दूसरी तरफ सबसे अहम खबर है कि भारत की मौजूदा हालात पर दुनिया भर में फिक्र का इजहार किया जा रहा है। भारत के लिए मुख्तलिफ मुल्क मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। भारत को सऊदी अरबिया की जानिब से 80 मेट्रिक टन गैस भारत पहुंची हुई है। पाकिस्तान, जिसको गाली दिए बगैर शायद कोई हमारा दिन गुजरा हो, आज वो भी पड़ोसी मुल्क के नाते सैनिटाइजर, दवाइयां, बेड और भी जरूरी अशिया भारत को पहुंचाने के लिए तैयार है। कहने का मतलब, हमने सिवाय नफरती जहर घोलने के कुछ नहीं किया। नागपुरी संतरे तो कहीं पर नजर भी नहीं आ रहे। इन्हीं नागपुरी जहर के फैक्ट्रियों से देश भर में संगी सोच फिक्र को परवान चढ़ाने के लिए महज एक समाज को गाली देना, इन्हें भला बुरा कहना है, यही तो राष्ट्रवाद बनाएगा। कभी गटर से गैस की पैदावार, तो कभी एयर टरबाइन से पानी, कभी गोबर को कोहिनूर से महंगा, तो कभी गौमूत्र को कैंसर की दवा, इसी के इर्द गिर्द ही हमें बेवकूफ बनाया गया। मेरा तो कहना यह है कि मद्रास हाईकोर्ट इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग पर कत्ल का मुकदमा चलाने की बात कही और चुनाव आयोग को ही तमाम महामारी के लिए जिम्मेदार ठहरा गया। इससे आगे और भी मैं जाकर यह कहूंगा कि वजीर आजम और वजीर दाखिला पर भी मुकदमे दायर करने चाहिए, क्योंकि इन्हीं के कहने पर तो चुनाव आयोग ने फैसले लिए और आज भारत को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। लाचों के ढेर लगे हुए, अस्पतालों में काला बाजारी जारी है। हासिल तरह के मुताबिक एक बार फिर डॉक्टर के भेष में कुछ भेड़िए अपना रंग दिखाने के लिए हरकत में आए। हमारी गुजारिश है कि अगर सर्दी, नजला, खांसी, बुखार हो तो इनको घर पर ही इलाज करने की कोशिश करें, क्योंकि हर लिबास में भेड़िए घूम रहे। वैक्सीन के नाम पर ठगने की भी बात आ रही है, तो दवाइयों के नाम पर भी फर्जी दवाइयां दी जा रही है। कई सारी वीडियोज आ रहे हैं जिसमें रेमडेसिविर के नाम पर आवाम को ठगा जा रहा है। अस्पतालों में किडनियां भी निकालने की खबरें गश्त कर रही है और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ डॉक्टर्स इसमें शामिल भी हैं। एक तरफ ईमानदारी से अपनी जान जोखिम में डालकर इस देश की, इस समाज की, इस माशरे की सेवा खदमत को अंजाम देने वाले मुखलिस डॉक्टर्स हैं, कुछ ने तो इसमें अपनी जान भी गंवा दी। कुछ सफेद एप्रोन में भेड़िए भी छिपे हुए हैं। वाजा रहे, खबरदार रहे कि हम सब एक इम्तिहान के दौर से गुजर रहे हैं। कोई इसमें अपना नहीं, कोई पराया नहीं, कुछ फैसले हमें खुद लेने होंगे। शमशान घाट में मुर्दे जलाने के लिए टोकन दिए जा रहे हैं। वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर तो कोरोना से मरने वालों को कंधा देने के लिए भी 5000 रुपए पूछे जा रहे हैं। ये वही घाट है जिस पर मुंशी प्रेमचंद ने कहानियां लिखी थी, पर आज इसी घाट पर चार कंधों के लिए 5000 रुपए पूछे जा रहे हैं। चारों तरफ शमशान घाट नजर आ रहा है, देश शमशान घाट में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। लाशों को कोई अंतिम संस्कार को नहीं ले जा रहे, तो कई पढ़े लिखे औलाद अपने वालिदैन को चिता देने के लिए आगे नहीं आए। इन लाशों को मुस्लिम नौजवान हिंदू रस्म रिवाज के साथ जला रहे। कहां है वो नफरती चिंटू जो हमेशा बात बात पर हिंदू मुस्लिम कहा करते थे? कहीं पर भी आरएसएस या बजरंग दल नजर नहीं आ रही। क्यों, कोरोना से डर लग रहा है क्या? क्या कहा है वो चाटुकार पत्रकारों का? कहा है वो चाटुकार पत्रकारों का जमावड़ा जिन्होंने देश को कोरोना जिहाद कहा था? यहाँ तक के पढ़े लिखे मुस्लिम नौजवानों को यूपीएससी जिहाद के प्रोग्राम्स चलाए थे, लव जिहाद, न जाने क्या क्या चलाया गया था। आप क्या चलाओगे, ऑक्सीजन जिहाद कहोगे क्या? याद रखो, इस देश को भाईचारा ही बचा सकता है। आज की इस भारत की तस्वीर को बनाने का पूरा योगदान मोदी और शाह को जाता है। आज पूरा देश शमशान घाट बना हुआ है, तो दिया बाती ताली थाली जलाने के वक्त ही आगे चीताएं जलाने का इशारा शायद प्रधानमंत्री ने पहले ही दिया था, पर अब जब चुन ही लिया है तो भुगतना तो पड़ेगा ही। क्या भारत में इससे पहले महामारियां नहीं आई? यकीनन ऐसे दौर देखे हैं, हमने तो अपने बुजुर्गों से सुना है, किताबों में पढ़ा है, लेकिन कामयाबी के साथ इसलिए मुकाबला किए क्योंकि इत्तेहाद, भाईचारा उस वक्त
मजबूत था, आज एक बार फिर एहसास हो रहा है कि दुश्मनी, नफरत, फसाद, आग, शोले, खून रेजी कुछ काम की नहीं है। ऐसे मुश्किल वक्त में हम सबको मिलजुल कर मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये भी याद रहे कि हालात ठीक होने पर फिर उसी नफरत के एजेंडे पर जाने की कोशिश ना करें और ऐसी हुकूमतों को जड़ से उखाड़े जिन्होंने महज नफरत के आग पर सियासी रोटियां सेकी और गरीब और गरीब बनता जा रहा है, अमीर हजारों गुना अमीर बनता जा रहा है, इसलिए कि इन सरमाएदारों की गुलाम मौजूदा हुकूमत बनी है। मोदी हुकूमत ने भारत की तस्वीर न सिर्फ दागदार बनाया बल्कि पूरी दुनिया में शर्मसार भी किया। विदेशी मीडिया में खुलकर भारत की मोदी सरकार का मजाक उड़ाया जा रहा है, मोदी की गलत नीतियों पर तंज किया जा रहा है। भारत का दोस्त अमेरिका ने तो हमेशा की तरह भारत को धोखा दिया, पर सऊदी अरेबिया ने ऑक्सीजन मदद करके मिसाल कायम की और नफरती चिंटुओं को पैगाम दिया कि इस्लाम मुसलमानों को गालियां देने वाले और भरा बुरा कहने वाले इस देश की आवाम को बचाने के लिए ऑक्सीजन उसी मोहम्मद के शहर से आ रही है, पड़ोसी जैसा भी हो लेकिन मदद का हाथ तो बढ़ा रहा है। पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर ने कहा कि जब भारत में चिताएं जल रही है तब आईपीएल की क्या जरूरत। कहने का मतलब इंसान बनने की कोशिश करें, नफरत ने हमें हैवान बना दिया, इंसान को जलती चिताएं औकात याद दिला रही है, लाशें सड़कों पर पड़ी है, ऐसा दिल दहला देने वाली तस्वीरें हमने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। लिहाजा एक बार फिर यही पैगाम है कि महामारी यकीनन चले जाएगी पर नफरत का वायरस जो कोरोना से भी खतरनाक है इसे आगे कभी पनपने नहीं देना चाहिए, क्योंकि यही भाईचारा हमारे मुल्क की ताकत है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह।